कल करेंगे जो एक रैली के फॉर्म में स्वास्थ्य भवन से 3 बजे सीजीओ कॉम्प्लेक्स तक जाएगा। कल करेंगे जो एक रैली के फॉर्म में स्वास्थ्य भवन से 3 बजे सीजीओ कॉम्प्लेक्स तक जाएगा। इस धरने को हम लोग खत्म करके अपना आंदोलन एक नई रूप से और एक तीव्र रूप से आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ हम ये भी बताना चाहते हैं कि हमारा आंदोलन फुल कंटिन्यू रहेगा। हमारा जस्टिस फॉर अभया हमेशा पहला प्रायोरिटी था, प्रायोरिटी रहेगा। वो ड्यूटी में सेफ महसूस करें। इसी के साथ हम ये भी बताना चाहते हैं कि जल्द से जल्द और भी इन्वेस्टिगेशन जो पूरा करना है वो जल्द से जल्द हो, ताकि अभया को न्याय जल्द से जल्द मिले। और दूसरी बात ये है कि हमारा जो इसेंशियल सर्विसेज हैं, जो हम इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि जो लोग अभी भी बाढ़ से पीड़ित हैं वो ज़रूर ये चाहेंगे कि उनकी मदद की जाए। तो इसेंशियल सर्विसेज भी हम शुरू कर रहे हैं, सिर्फ इसेंशियल सर्विसेज, इसमें ओपीडी नहीं है। ओपीडी हम ज्वाइन नहीं कर रहे हैं और ना ही हम लोग कोई भी कोल्ड ओटी ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसके साथ हमारा ये डिमांड है, क्योंकि अभी भी हॉस्पिटल्स में ऐसा सेफ्टी मेजर नहीं लिया गया है जिसके वजह से कोई भी फीमेल डॉक्टर या मेल डॉक्टर को ऐसी सुविधा उपलब्ध हो, खास तौर से फीमेल डॉक्टर्स को, कि वो अभी सेफ महसूस करें। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी जो डिमांड्स हैं सरकार उनको जल्द से जल्द पूरा करे। उसी के साथ साथ हम ये भी बताना चाहते हैं कि हमारी जो मीटिंग कल हुई थी उसमें हमने जो बातें रखी थी उसमें से बहुत कुछ बातें मानी गई और कुछ पे कोई भी कमेंट नहीं है। तो हम जो चाहते हैं कि हम दोबारा हमारी बात हो और हम इस बात को सुनिश्चित कर सकें कि थ्रेट कल्चर ख़त्म हो, जिसके वजह से ही अभया के साथ ये हादसा हुआ। हम ये चाहते हैं कि प्रॉपरली इलेक्शंस हॉस्पिटल में हो, जिससे कि चुने हुए प्रतिनिधि स्टूडेंट्स के एपॉलिटिकल वो आएं, जो कि स्टूडेंट्स की समस्याओं को सही तरीके से पूरा करें, जिससे कि दोबारा अभया जैसी दुर्घटना ना हो। क्योंकि पहले क्या था कि सिलेक्टेड लोगों को सरों पर बिठा दिया जाता था जो थ्रेट कल्चर का ही पार्ट बनते थे। तो हमने ये अपने जीबी में डिसाइड किया है। कब आप लोग विड्रॉ करेंगे? किस चीज़ से? धरना कल हम लोग विड्रॉ करेंगे, जो कि एक रैली के रूप में 3 बजे स्वास्थ्य भवन से सीजीओ कॉम्प्लेक्स तक है। अगर सरकार आपकी डिमांड अभी भी ना माने तो क्या करेंगे? देखिए, हमारा जो 27 तारीख के ऊपर 27 तारीख तक हमारी 27 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नज़रें टिकी हुई हैं, क्योंकि सरकार सुप्रीम कोर्ट के तरफ से भी सरकार को ये कहा गया है कि वो ये सुनिश्चित करें कि डॉक्टर काम पे जल्द से जल्द वापस आएं। अभी भी सिर्फ ऑर्डर के रूप में ये सुनिश्चित किया गया है, वो भी कुछ ही चीज़ों पर अभी भी फैसला या डायरेक्टिव आया है। हम ये चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द पूरा किया जाए, सिर्फ लिखित माध्यम में ना हो। दूसरी बात ये है कि हमारी ये डिमांड भी है कि जो थ्रेट कल्चर है उसका एंड हो, इसके बारे में भी कोई कमेंट नहीं है। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब के जो रिजिग्नेशन था वो भी हमारे डिमांड में है, उसको भी सुनिश्चित नहीं किया गया। तो इसीलिए हमारी नज़रें 27 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग पर भी हैं, और इसी बीच में सरकार के लिए भी सरकार के तरफ भी हमारी नज़रें हैं कि सरकार जल्द से जल्द इन चीज़ों को पूरा करे, नहीं तो हमें मजबूरन दोबारा सीज़वर्क की तरफ जाना पड़ेगा।